वेलकम टू शिवानी वेजल रेसिपी। आज हम बनाएंगे बर्गर जो मार्केट के बर्गर से भी अच्छा बनकर तैयार होगा और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले बर्गर की टिक्की बनाएंगे। एक चम्मच ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। इस समय गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा भुन गया है। इसमें एक प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया है उसे भी ऐड करेंगे और हल्का सा भूनेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। एक गाजर जिसे भी बारीक चॉप कर लिया है उसे भी ऐड करेंगे और साथ में आधा बाउल फ्रोजन मटर के दाने ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए भूनेंगे जिससे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पिसी काली मिर्च और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी बारीक चॉप करी अदरक, एक बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। 4 बॉयल आलू जिन्हें इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें मैशर की सहायता से मैश करेंगे। अब लास्ट में टिक्की को बाइंड करने के लिए 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे और गैस को ऑफ करेंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। टिक्की के मिक्सर को प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब टिक्की को क्रिस्पी करने के लिए बैटर बनाएंगे। 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहें तो अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार की होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है। इससे टिक्की बनाएंगे। टिक्की बर्गर बन के साइज की ही बनाएंगे। थोड़ा सा आलू का मसाला लेंगे और इस तरीके से टिक्की की शेप देंगे। टिक्की को बैटर में डिप करेंगे और अब इसे ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सभी टिक्कियों को बना लेंगे। इस समय एक लाइक तो बनता है। टिक्की बन चुकी है। अब इन्हें फ्राई करेंगे। गैस पर पैन रख दिया है। इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें टिक्की डालेंगे। टिक्की को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। टिक्की
एक साइड से क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसे पलटकर दूसरी साइड से भी क्रिस्पी करेंगे। टिक्की दोनों साइड से अच्छी तरह सिक चुकी है। अब इसे निकालेंगे। इसी तरीके से सभी टिक्कियों को सेकेंगे। बर्गर बन को बीच से कट करेंगे। गैस पर तवा रखेंगे और हल्का सा तवे को घी से ग्रीस करेंगे। अब हम बर्गर बन को इस साइड से सेकेंगे। बर्गर बन सिक चुके हैं। अब बर्गर बन के बेस पर थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे और इसे चम्मच की सहायता से फैलाएंगे। टॉप पर टमाटर सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर पत्ता गोभी, ऊपर से बर्गर की टिक्की, खीरे के पतले स्लाइस, टमाटर स्लाइस, प्याज का एक स्लाइस और टॉप लगाकर हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए कितना अच्छा बर्गर तैयार हुआ है। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में उससे भी अधिक टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव शेयर करें। अब बारी है हमारी टिप की, लेकिन उससे पहले आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ। प्याज को छीलकर 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दें तो प्याज काटते समय आँखों से पानी नहीं निकलेगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।